सेंटर ऑफ मास, ठीक। पूरा मैकेनिक्स का सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, SHM, पूरा छाया हुआ रहता क्वेश्चन IIT में, ठीक है। क्या क्या? सेंटर ऑफ मास से स्टार्ट होगा। सेंटर ऑफ मास में वर्क पावर एनर्जी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, फ्रिक्शन का भी नॉलेज होना चाहिए अच्छा से, मतलब सारा। ये दोनों ऐसा चैप्टर है जिसमें जितना भी पढ़े थे बेसिक वाला, काइनेमेटिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी, न्यूटन्स लॉ, वर्क पावर एनर्जी, सब कुछ काम आने वाला है। किसमें? सेंटर ऑफ मास और रोटेशन में। तो जिस बंदे का ये वाला टॉपिक अच्छा नहीं रहेगा वो फंस जाएगा इसमें, ठीक। देखो, सेंटर ऑफ मास हम लोग वर्क पावर एनर्जी पढ़े, अब इसके बाद क्या पढ़ना है? सेंटर ऑफ मास। मोटा मोटी नंबर ऑफ लेक्चर जो है कितना जाएगा? 9 से 10 क्लास में खत्म होगा। हाँ, 9 से 10 क्लास है, क्या बोला? हाँ ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम लोग वर्क स्टार्ट किए थे तो बोले थे वर्क क्यों पढ़ेंगे, व्हाई वी विल रीड वर्क। तो उसका आंसर क्या था? कि हाँ, न्यूटन्स लॉ से हम लोग सारा काम हो जाता था, एक्सेलरेशन हम निकालते थे, फिर काइनेमेटिक्स का। लेकिन वर्क पावर एनर्जी क्या किया था? हाँ, काफी कैलकुलेशन को आसान कर दिया था। नहीं, हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन से बिना कोई इधर उधर किए हुए आराम से हम स्पीड वगैरह निकाल सकते हैं। जबकि अगर वही न्यूटन्स लॉ से सॉल्व करना रहता तो वेरिएबल एक्सेलरेशन आ जाता है, इंटीग्रेट करने का नौबत आ जाता वगैरह वगैरह। उसी तरह से सेंटर ऑफ मास का क्या काम है? व्हाई वी विल रीड सेंटर ऑफ मास? देखो, सेंटर ऑफ मास इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से अगर कोई भी मोशन को देखेंगे ना तो मोशन बहुत आसान हो जाएगा। जो कॉम्प्लिकेटेड मोशन है, जो मोशन काफी अलग तरह का होगा, विशाल टाइप का होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा, वो काफी आसान हो जाएगा। किस फ्रेम से देखेंगे? तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से देखेंगे। फ्रेम क्या होता है ये तो हम लोग पढ़े थे। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से देखेंगे तो हमारा मोशन काफी आसान हो जाएगा। जैसे कि हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले लेते तो समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। तो सपोज दैट कि मान लो ये सपोज रोड ले लेते हैं, कार देखा है? कार, कार का टायर देखो, मान लो एक कार हम बना ही लेते हैं ऐसे, इसका चक्का हम बड़ा दिखाना चाहते हैं, के वो चक्का दो ठो, ये ऐसे बना सकते थे हम बढ़िया, लेकिन हम चक्का बढ़िया मतलब बड़ा दिखाना चाह रहे हैं। तो ये तुम्हारा चक्का हो गया। अब ये चक्का कार जब आगे जाता है, मान लो रफ्तार वी है, तो ये चक्का रगड़ा के जाता है कि सिर्फ अपने जगह घूमता है, कि घूमता भी है और आगे बढ़ता भी है? हाँ, घूमता भी है और आगे, घूमता भी है आगे, डल रिस्पॉन्स, घूमता है और आगे। तो ऐसे मोशन को हम कंबाइंड मोशन कहेंगे। ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे? कंबाइंड मोशन। आगे जाके हम लोग रोटेशन में ये बात पढ़ेंगे, हम लोग कंबाइंड मोशन, ठीक। कंबाइंड मोशन का मतलब होता है ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन, ठीक है। रोटेशनल मोशन प्लस ट्रांसलेशनल मोशन को ही क्या कहा जाता है? कंबाइंड मोशन। अब ऐसा ही कोई हम यहां करके दिखा रहे, देखो मान लो ये अभी चक्का यहां पर है, पीछे वाला कोई भी चक्का ले लो। जब कार यहां से आगे बढ़ेगा तो क्या चक्का वहीं रह जाएगा कि ये भी आगे बढ़ेगा? ये भी आगे बढ़ेगा। तो मान लो ये चक्का ऐसे आगे जो जा रहा है, जो कार का रफ्तार है वही VCM रहता है, वही वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अभी हम लोग पढ़ेंगे। और ये चक्का जो है ऐसे घूमेगा भी, अरे यार घूमेगा भी और आगे, आगे जो बढ़ा वो कौन मोशन और घुमा जो वो कौन मोशन, कोई दिक्कत वाली बात? ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? कंबाइंड मोशन। ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? कंबाइंड मोशन। अब ये कंबाइंड मोशन है तो सोचो, एक पार्टिकल का अगर मोशन, ये चक्का है इस टाइप का, तुम चाहो तो किसी भी टाइप का चक्का बना लो, ये व्हील है एक्चुअली, हम खाली आउटर लाइनिंग खींचे हैं। अब इसमें एक हम कुछ स्पॉट डाल देते हैं, देखो ये वाला। अब ये इसको अगर कोई हम ऑब्जर्व करेंगे तो इसका पाथ देखो कैसा होगा। ये इसी जगह पर रहेगा कि आगे भी बढ़ेगा? अगर मान लो हमारे पास ऐसा मैजिक पेपर है, मैजिक पेपर, चमत्कारी मैजिक पेपर, जो हम उस मैजिक पेपर से जब देख रहे हैं तो सिर्फ हमको कुछ नहीं दिखा रहा है, ये दिखाई दे रहा है सिर्फ डॉट,
जो मारे हैं स्केच पेन या जो भी लाइटनिंग किए हैं वो सिर्फ डॉट दिखाई दे रहा है। जैसे तुम लोग पिक्चर वगैरह देखा होगा मिस्टर इंडिया, अरे बहुत सारा फिल्म है, तो मिस्टर इंडिया में क्या था कि एक उसके पास, या फिर बहुत सारे डोरेमोन गैजेट वगैरह देखा होगा, एक ऐसा गैजेट थी उससे देखते हैं तो कोई पर्टिकुलर कलर दिखाई देता है, फिर दिखाई नहीं देता है। मिस्टर इंडिया में भी उस तरह का लाल रंग का कुछ था, जब उसके थ्रू देखते थे तो दिखता था, अदरवाइज ऐसे दिखते थे तो नहीं दिखता था। खैर वैसा ही टाइप का कोई गैजेट है, जब हम ऐसे देख रहे हैं तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ ये वाला पार्टिकल दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? पार्टिकल। ये जो डॉट मारे ना, ये जो कलरफुल डॉट मारे, यही सिर्फ दिखाई दे रहा है। अब इसका पाथ सोचो क्या होगा, इस टाइप का। एक समय ऐसा होगा कि ये पार्टिकल जो है, ये जो डॉट मारे, ये टॉप लेवल पे पहुंचेगा और फिर आ जाएगा नीचे पे। इसका मोशन, ये वाला जो मोशन है काफी कॉम्प्लिकेटेड मोशन है, हम लोग रोटेशन में पढ़ेंगे। इस तरह का पाथ को साइक्लोड कहा जाता है। क्या बोलते हैं? साइक्लोड। कोई दिक्कत वाली बात? साइक्लोड पाथ काफी कॉम्प्लिकेटेड पाथ होता है, आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, बट पाथ का नाम क्या है? साइक्लोड। ठीक है, अजीब टाइप का। पहले ये कहां पर था? ये बॉटम पे। ये कितने ऊपर गया? तो अगर इसका रेडियस r हो, छोटा r, तो कितना हाइट तक गया? ये 2r तक, और फिर आ गया ग्राउंड पे। तो इसका लेवल है 0 से लेकर 2r तक, सब जाते वक्त बढ़ा, फिर आते वक्त घटा, हर लेवल को एक्वायर किया, और टॉप कितना तक गया? 2r। कॉम्प्लिकेटेड मोशन। लेकिन अगर सोचो कि किसी को अगर मान लो यहीं पर बैठा दो, कहां पर? सेंटर पे। इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां होगा? ऐसे थोड़ा थोड़ा नाम सुना होगा, सेंटर ऑफ मास कहां होता है? तो जनरली सेंटर ऑफ मास सिमेट्रिकल पॉइंट पे होता है, और उस सिमेट्रिकल पॉइंट कहां पर होगा? अगर यहां से बैठा के इसी पार्टिकल का मोशन को ऑब्जर्व कराया जाए तो उसका पाथ कैसा होगा? क्या ये दोनों के बीच में डिस्टेंस विल बी चेंजिंग? नो। अगर दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होता हो तो दो ही तरह का पाथ कहलाता है, या तो स्ट्रेट लाइन और नहीं तो सर्कुलर। अरे यार, सर्किल में क्या होता है? गोल गोल घूमता है। तो पार्टिकल और गोल गोल घूमने के बीच, सेंटर और गोल गोल के बीच में घूमने के बीच का जो दूरी, वो कभी चेंज होता है क्या? उसका पाथ का नाम क्या होता है? सर्कुलर। तो दो ही तरह का पाथ हो सकता है, क्या क्या? डल रिस्पॉन्स, या तो स्ट्रेट लाइन, नहीं तो, या तो स्ट्रेट लाइन नहीं तो सर्कुलर, नहीं तो स्ट्रेट लाइन। ठीक। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेके कराते, देखो मान लो सपोज दैट कि चलो यही ले लेते हैं। देखो ये तुम्हारा इस टाइप का हुआ, और हम इसको हम ऐसे फंसा दिए, देख रहा है? ये कार का चक्का, अभी ये कार का चक्का कहां था? नीचे। अब इसको ना देखो, ये ऐसे चलेगा क्या? जब ऐसे चलता तो, हाँ, जब ब्रेक व्रेक मारते हैं ना तो ऐसे चलते चले जाता है। अरे यार, और जब हम सर्विसिंग करते हैं तो कार को दौड़ा के किया जाता है कि एक ही जगह पर? तब उस समय ऐसे ऐसे एक ही जगह पर घूमता है, एक ही जगह पर। ये कौन मोशन कहलाता है? सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन। क्या कहलाएगा? सर्कुलर कहेंगे। क्या बोलेंगे? देखो सर्कुलर। अगर सर्किल लेंगे तो ये दोनों पॉइंट के बीच में दूरी चेंज हो रहा है, ये दूरी चेंज देख लो। लेकिन अगर देखा जाए तो ट्रांसलेशनल मोशन क्या है ये? तो जब हम कार को धोने के लिए सर्विसिंग सेंटर में ऊपर लटका देते हैं तो वो कैसा मोशन होता है टायर का? ओनली रोटेशनल या सर्कुलर? अरे यार, और अगर मान लो हम ऐसे ले लेते हैं, मान लो कि ब्रेक ब्रेक मारने के बाद ऐसे सिर्फ रगड़ाते चला जाता है, ट्रांसलेशनल। लेकिन जब हम अच्छा खासा चला रहे होते हैं तो कंबाइंड मोशन कहलाता है, तो ये होता है ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दोनों, देखो, जिसको हम कंबाइंड बोलते हैं। तो कैसा पाथ होगा? देखो, रोड का कॉन्टैक्ट को छोड़ेगा क्या? देखो अभी, देखो कहां पहुंच गया? टॉप लेवल पे। नहीं समझा? और इसका सेंटर मास पहले कहां था? यहां पर, पहले यहां था, यहां से सेंटर मास इस लेवल पे आता चला गया। फिर देखो सेंटर मास का लेवल चेंज हो रहा है क्या? फिर देखो ऑब्जेक्ट, इसको देखो किससे? मैजिक पेपर से। देख कहां आ गया। तो इसका पाथ बिल्कुल इस टाइप का हुआ कि नहीं हुआ? चमका नहीं, क्या हुआ? पाथ काफी कॉम्प्लिकेटेड। अब इसके बारे में अगर स्टडी करना होगा, किसी का कोऑर्डिनेट वगैरह लेंथ पर निकालना हो तो बड़ा डिफिकल्ट वाला बात है, आम चीज तो नहीं है जो सब बच्चे निकाल सके। लेकिन सोचो कि अगर मान लो किसी को बैठा दो, देखो किसी को बैठा दो सेंटर पे, ये बॉडी का सेंटर मास होगा, सेंटर पे अगर बैठा दो इस जगह पर, और उससे पूछो क्या भैया ये दोनों के बीच में डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो क्या बोलेगा? लेकिन घूम तो रहा है यार,
तो इसको पाथ कैसा दिखेगा बराबर, हर बार हर वक्त ये दोनों के बीच में डिस्टेंस इज नॉट चेंजिंग। तो जो इस पे बैठा होगा मान लो चीटी चाटा जो भी है एंड कुछ भी ला, तो उससे अगर पूछेगा तो बोलेगा कैसा पाथ तुमको दिख रहा है, तो क्या बोलेगा वो, क्या बोलेगा, साइक्लोड, सर्कुलर, स्ट्रेट लाइन और सर्कुलर, वेरी इजियर पाथ, वेरी सिंपलर पाथ, आराम से बोल देगा इतना घूम रहा है, इतना घूम रहा है, इतना घूमा भी, इतना टाइम बीता इतना घूम गया, इतना टाइम बीता इतना घूम गया, कौन बोल सकता है इतना आराम से। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से देखेंगे तो पाथ कैसा, सर्कुलर, और सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से देखेगा तो काफी आसान पाथ हो जाता है, या तो तुमको होगा ट्रांसलेशनल, सॉरी, या तो सर्कुलर नहीं तो स्ट्रेट लाइन, काफी आसान। और भी हम थोड़ा और ज्यादा थोड़ा एग्जाम्पल को बढ़ाते हैं, थोड़ा फील आना चाहिए, सेंटर मास तो भाई पढ़ना ही है, लोकेशन सब कोई निकालता है, बट इस चीज का फील आना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास पढ़ते क्यों। देखो सपोज दैट कि मान लो, और भी एग्जाम्पल करते हैं, ये समझ में आ रहा है, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से देखेंगे तो मोशन कैसा दिखा, कैसा सर्कुलर दिखा, इस केस में कैसा दिखा, सर्कुलर दिखा। अब देखो सपोज दैट कि मान लो दो ऑब्जेक्ट है M1 और M2 और ये ऐसे पड़ा हुआ, ठीक, अगर दोनों का मास अगर बराबर हो तो सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, बीच में, बिल्कुल सही बात, ठीक। अगर किसी ने, और मान लो M1 M2 को ना लाइट रॉड से कनेक्ट कर दिए, लाइट रॉड, व्हाई वी आर यूजिंग लाइट रॉड, ताकि हम इसको फेंके ना तो दोनों के बीच में डिस्टेंस चेंज ना करे, रिजिडनेस का प्रॉपर्टी बना रहे, रिजिड बॉडी हम लोग अगले मतलब चैप्टर में पढ़ेंगे, रिजिड बॉडी, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होता है, रिजिड बॉडी का प्रॉपर्टी क्या है कि हाँ कोई भी दो पॉइंट ऑफ द रिजिड बॉडी डज नॉट चेंज, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं, तो रिजिड बॉडी का फील है, इसीलिए हम इसको रॉड से कनेक्ट किए, स्ट्रिंग से नहीं। रॉड और स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस, रॉड कभी स्लैक नहीं करेगा, हम लोग जैसे वर्क पावर एनर्जी सर्कुलर मोशन का एंड में पढ़े थे, रॉड कभी स्लैक, कौन स्लैक कर सकता है, स्ट्रिंग, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो मजा ही नहीं आएगा। और मान लो कि ऐसा रॉड को, मतलब लाइट रॉड है, लाइट रॉड मतलब मासलेस रॉड, बहुत नेग्लिजिबल मास, और दोनों M1 M2 इससे कनेक्टेड हो गया, अब सोचो अगर इसको फेंक दो ऐसे एयर में फेंक के देखो तो, और M1 का बारे में स्टडी करो तो सोचो कैसा हो रहा होगा, क्या सिंपलर मोशन है, गोल गोल घूम रहा है और साथ में पैराबोलिक टाइप का भी हो रहा है, क्या ये सिंपलर मोशन की कॉम्प्लिकेटेड मोशन। देखो आफ्टर सम टाइम, देखो अगर इसको फेंक देगा तो देखो इसका क्या होगा, इसका नतीजा इस टाइप का कुछ होने वाला है, देखो अभी ये है, कुछ देर के बाद ऐसा टाइप का होगा, ये M1, ये M1, ये M1, अभी ये इधर आया नहीं, कुछ देर बाद घूमते घूमते क्या हो जाएगा, देखो इधर M1 आ जाएगा और इधर पलट जाएगा, हो सकता है 180 डिग्री से रोटेट कर जाए, तो अब देखो क्या इसका मोशन आसान, नो, देखा जाए तो घूम भी रहा, और लेकिन अगर किसी को सेंटर ऑफ मास पे बैठा दो, सेंटर इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है भाई साहब, MG, क्या लग रहा है, तो पूरा होल बॉडी के ऊपर लग रहा है MG, तो इसका पाथ कैसा होगा, जब वेट एक्ट करता है तो, बोलो, जब पूरा है तो पैराबोलिक होगा, तो इसका पाथ कैसा होगा, सेंटर ऑफ मास का पाथ क्या होगा, पैराबोलिक। लेकिन मान लो किसी को यही इसी जगह, मान लो कोई मासलेस कोई आदमी हो, मासलेस आदमी तो हो नहीं सकता है, इसीलिए इसको चीटी ले लो, कोई चीटी या चीटा को इसके सेंटर ऑफ मास के फ्रेम पे बैठा दो, अब वो क्या बोलेगा, कैसा दिख रहा है M1 M2, उससे पूछो, पूछो बताओ M1 का कैसा, किस तरह का तुमको मोशन दिखाई दे रहा है, तो क्या बोलेगा, जैसे जैसे वो बोलेगा कि यार ये तो सर्कुलर घूम रहा है, कैसा घूम रहा है, और टी टाइम में थीटा बराबर ओमेगा से अगर घूम रहा होगा तो ओमेगा टी घूम चुका होगा, अरे यार अगर ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा होगा तो टी टाइम में कितना घूम चुका होगा, कौन बोलेगा, चीटी से पूछेगा तो वो बोलेगा, और M2 भी उतना ही घुमा है, जितना M1 घुमा उतना नहीं चमका। लेकिन एक आम आदमी जो चीटी है ग्राउंड पे, जो आदमी मान लो लवारिस टाइप का पड़ा हुआ है ग्राउंड पे, उससे पूछो भाई साहब तो आप बताइए, बोले यार गजब टाइप का साला मोशन, चलो पता नहीं चला घूम रहा है आगे बढ़ रहा है, पता हो क्या रहा है, क्या वो फिजिक्स आसान से पढ़ सकता है, क्या उसके बारे में स्टडी किया जा सकता है, बड़ा डिफिकल्ट। लेकिन कौन बढ़िया बोला, क्योंकि ये दोनों के बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, ये सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास,
ठीक है, तो सोचो ये कितना घूम चुका होगा। तो अगर देखा जाए तो ओमेगा से अगर ये घूम रहा होगा तो ये थीटा बराबर क्या लिखेगा, ओमेगा टी, टी टाइम इतना घूम चुका होगा। और अगर इसको हम फेंके होंगे वी वेलोसिटी से तो इसका एक कंपोनेंट, या यू वेलोसिटी से तो इसका एक कंपोनेंट यू एक्स होगा, और इसका वो टी टाइम में ये इधर कितना जाएगा और इधर कितना जाएगा, यू एक्स इंटू टी, और ये बोलो यू आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो वो वाला पार्ट प्लस ये वाला एक्स्ट्रा जोड़ेंगे। अरे यार, तो इसका कौन वाला लेवल पता चल जाएगा, देख रहा, सेंटर ऑफ मास का पढ़ लिए प्लस एक्स्ट्रा सेंटर ऑफ मास का, तो आसान हो गया यार। ये सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर गया, यू आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और प्लस ये एक्स्ट्रा जो घूमा ना, तो घूमने की वजह से और थोड़ा ऊपर गया, तो कितना गया होगा। तो अगर मान लो ये टोटल एल बाई टू है, या जो भी आर लेंथ लेते हैं, तो ये वाला आर है, ये थीटा है, तो सामने वाला क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा, और ये वाला पार्ट आर कॉस थीटा। बोल बना सकता है कि नहीं बना सकता, पूरा कंट्रोल में है। इसका मतलब किस जगह से देखे तो हमको ज्यादा सिंपलर आसान हो गया, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से। कैसा, तो ये पाथ कैसा होगा, सर्कुलर। तो अगर सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में दो ही तरह का पाथ हमको दिखेगा, स्ट्रेट लाइन और क्या, हम इसके बारे में अच्छा से नॉलेज है। बोल बना सकता है नहीं बना सकता, कोई दिक्कत वाली बात। अब सेंटर ऑफ मास का देखो प्रॉपर्टी होता क्या है, कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहां होल मास कैन बी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। मतलब अगर उस पॉइंट से कोई ट्राई करे तो पूरा बॉडी को वो डील कर सकता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि सपोज दैट एक रॉड है, क्या है ये रॉड, ये एक ऐसे टेबल पे रखा हुआ है, मान लो अच्छा खासा रॉड है, लेंथ एल, मास जो भी ले लो, मास ले लो एम। अगर मान लो इस रॉड को हमको उठाना हो क्रेन वगैरह से, तो क्रेन कैसे उठाएगा, तो क्रेन पूरा ऐसे करके, क्रेन में ऐसे करके बना हुआ रहता है, ऐसे लाएगा, मोटर चालू करके ऐसे फंसा के लाएगा, बाबा जी का टुल्लू टाइप का, ठीक है, ऐसे करके ऐसे पकड़ेगा और पूरा एज इट इज उठा देगा, पूरा बॉडी उठ जाएगा कि नहीं, और पूरा हर जगह से उसको सपोर्ट लेके उठाएगा तभी होगा। मान लो कोई टूटने वाला चीज है तो बोलेगा भैया बढ़िया से उठाना, बढ़िया सब चारों तरफ से क्या होगा, पकड़ के उठाना, ऐसा नहीं कि यहां पकड़ाया तो पता चला चला स्लिप होके नीचे चला गया। तो कैसे उसको, जो उठाने वाला उसको क्या बोलेगा, कमांड क्या देगा, कि अगर इसको ऐसे ऐसे उठाना हो तो चारों हर तरह से उसको ग्रिप बना के उठाना पड़ेगा, तब जाके पूरा बॉडी एज इट इज उठ जाएगा। अरे यार, लेकिन एक और ऐसा उपाय है जिससे हम पूरा बॉडी को एज इट इज उठा सकते हैं, क्या कैसे करेगा, हाँ, अगर मान लो सोचो कि एक पॉइंट यहां पर एक ऐसे टाइप का कुछ बना लो, हुक लगा दो यहां पर, क्या लगा देगा, हुक लगा देगा या कुछ ऐसा जहां, और यहां से फिर धागा उगा लगा के अब इसको कोशिश करो तो पूरा एज इट इज उठेगा कि नहीं उठेगा। या तो पूरा बॉडी को उठाओ एक जैसा उठेगा, या फिर हम उस जगह से ट्राई करो तो पूरा बॉडी एज इट इज उठ जाएगा। इसका मतलब क्या, कि पूरा होल मास कैन बी सपोज टू बी कंसेंट्रेटेड इसी जगह पर। तो जैसे हम पूरा बॉडी को उठा रहे हैं तो जो बिहेव हमको मिल रहा है वही बिहेव कहां से मिल रहा है, सेंटर ऑफ मास, मतलब उसके मिडिल पॉइंट से मिल रहा है। अरे यार चमका नहीं, जो हम क्या हो रहा है, हाँ, जो चारों तरफ से पकड़ के उठाना पड़ रहा है, तो जो बिहेव मिल रहा है वही बिहेव मिल रहा है अगर उसके, और सेंटर ऑफ मास पे अगर डायरेक्ट हम फोर्स लगाएंगे तो पाथ बिल्कुल सिंपलर होगा। कैसा पाथ होगा, देखो स्ट्रेट लाइन, रोटेशनल मोशन होगा क्या, क्या लचर पुचर उठा। अगर मान लो दूसरे जगह से ट्राई करता तो क्या था, मान लो कि कोई हुक चला यहां बना दिया और यहीं से तो कैसे उठेगा, हुक डाल दिया, उठाने वाला कहां, हुक बनाना जरूरी है कि नहीं, उठाने में बहुत आसानी होता है। देखना घर वगैरह जो बनता है नया नया घर, तो जो टंकी उंकी होता है वो उस तरह का, तो देखना जहां पर पूरा हेडक्वार्टर होता है, ठीक है, वहां पर उठाने के लिए कभी कचरा उचरा जाम हो जाए, ये हो जाए, तो सब हुक डाल देता है कि नहीं, हुक डालने के बाद क्या होता है, आसानी से निकल जाता है। मान लो हुक ना डाला हो तो पूरा घर तोड़ने का नौबत आ जाता है। तो हुक डालने से क्या होता है फायदा, कि हम उसको उठाना, उस जगह से उठाना ज्यादा आसान हो जाता है। देखो कहीं भी उठाने वाला हुक बना हुआ, फटाक से उठा लिया, काम कर लिया, फिर डाल दिया हुक, तो हुक का क्या काम है। तो ये हुक अगर मान लो कोई यहां लगा दे तो पूरा बॉडी एज इट इज उठेगा, तो पूरा बॉडी एज इट इज कहां से उठ रहा है, तो यही पूरा बॉडी का क्या है, सेंटर ऑफ मास। चमका नहीं, क्या हुआ है, तो सेंटर ऑफ मास बॉडी का उस पॉइंट है जहां होल मास कैन बी सपोज टू बी कंसेंट्रेटेड, ठीक। ऐसे ये तुम्हारा रॉड का सेंटर ऑफ मास, उसके मिडिल पॉइंट पे, और भी दुनिया में बहुत तरह तरह का आइटम होता है, क्या क्या हो सकता है, रिंग, डिस्क, ये वो, लेंथ फन, बहुत सारा, ठीक है। अगर मान लो कोई डिस्क उठाना हो तो बॉडी को कैसे उठाएगा, बोल
या तो पूरा बॉडी को ऐसे कोई रिंग उंग है जिसे मान लो इसी में रिंग था, ये रिंग है, ये रिंग ऐसे रखा हुआ है पूरा उठा एज इट इज इसी तरह से। मान लो ऐसा कुछ है जो हिलाने से उसका कोई अंदर वाला चीज जो है मान लो ढरक जाता हो, कोई उसमें सामान ऐसा रखा हुआ कि जहां तिरछा हुआ तो सारा माल गिर गया नीचे, है बर्थडे केक, तो उस समय वेरी गुड बर्थडे केक बहुत मनाया है, तो बर्थडे केक अगर उठाना होगा तो कोई किसी को बोले ऐसा ऐसे उठा देगा तो बर्थडे केक का सारा क्रीम तो नीचे में रह जाएगा। तो उस बहुत समय ऐसा जरूरी पड़ता है कि क्या हो ऐसे उठाए तो पूरा बॉडी एज इट इज उठ जाएगा। और कहीं से ट्राई कर सकता है क्या, कहां अगर मान लो यहां से ट्राई करेगा तो ये रहा, अरे यार अगर इसके जगह पर अगर हम यहां देखो यहां से मिडिल से ट्राई करेंगे तो मिडिल तो कुछ है ही नहीं है, उठा दो हो रहा है क्या, मिडिल में कुछ है ही नहीं, माले मटेरियल नहीं है तो ये उठेगा कैसे, उठेगा क्या। और किसी दूसरे जगह से उठाएगा तो रिंग का उठाना ना, तो ऐसे अगर उठाएंगे तो ये तो ऐसे हो सकता। तो हम लोग इसमें बहुत सारा थोड़ा दिमाग लगा देते क्या करेंगे कि यहां पर ये दोनों के बीच में ना अलोंग द डायमीटर हम एक रिंग में हम लोग देखो ऐसे उठाए तो पूरा बॉडी तो एज इट इज उठेगा नहीं, उठेगा क्या किसी एक जगह से ट्राई करेगा तो क्या करना पड़ेगा। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ये तुम्हारा रिंग है ऐसे, ठीक, यहां से क्या करो एक यहां पर और एक यहां पर एक, और ये दोनों पॉइंट को एक धागा से कनेक्ट करा दो। तुम और बढ़िया सपोर्ट के लिए एक और इधर से भी ले सकता है। अब ये पॉइंट इसका सेंटर ऑफ मास होगा, अब यहां से ट्राई करेंगे तो क्या होगा, पूरा बॉडी एज इट इज उठेगा, उठ करके ये कैसा दिखेगा, अरे यार चमका नहीं क्या, क्या लचर पचर होगा, क्या एक एक का लेग नीचे ही रह जाएगा दूसरा का उठ जाएगा, कैसा मोशन, पूरा स्ट्रेट लाइन तक मतलब एज इट इज उठेगा क्या, थोड़ा सा ऐसे होगा क्या। तो इसी पॉइंट को क्या बोलेंगे, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास जब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसका कैलकुलेशन इस पे पढ़ना बहुत मायने रखता है। तो सेंटर ऑफ मास मतलब कि हमारे लिए क्या है और कहां हो सकता है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में देखो इसके बारे में दो पॉइंट होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में मतलब कि पहले डेफिनेशन लिख लो उसके बाद हम सारा चीज बता दे रहे हैं। सेंटर ऑफ मास इज एन इमेजिनरी पॉइंट, सेंटर ऑफ मास इज एन इमेजिनरी पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी, वेयर होल मास ऑफ द बॉडी कैन बी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, वेयर होल मास ऑफ द बॉडी कैन बी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। कैन बी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, फिर आगे लिखो सेंटर ऑफ मास मे और मे नॉट लाई इन साइड द बॉडी, सेंटर ऑफ मास मे और मे नॉट लाई इन साइड द बॉडी। आगे लिखो सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट ऑन द मोस्ट सिमेट्रिकल पॉइंट, मोस्ट सिमेट्रिकल पॉइंट और मोस्ट सिमेट्रिकल लाइन्स। सेंटर ऑफ मास लाई कहां, मोस्ट सिमेट्रिकल पॉइंट और मोस्ट सिमेट्रिकल लाइन्स। अब एक चीज बताओ कि रॉड का सबसे मोस्ट सिमेट्रिकल कहां पर है, सबसे सिमेट्री सबसे ज्यादा कहां पर है, बीच में मिडिल पॉइंट, तो यही इसका सेंटर ऑफ मास होगा। लेकिन इसके लिए रॉड को यूनिफॉर्म होना होगा, क्या होना होगा, अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो नहीं आएगा। अभी हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का क्या चक्कर है, बट ये चमका। अब देखो अगर मान लो एक रिंग है तो रिंग का सबसे मोस्ट सिमेट्रिकल पॉइंट कौन सा है, सेंटर। अब ये पॉइंट तो विद इन द मेटेरियल है, अरे यार ये पॉइंट तो विद इन द मेटेरियल है, मेटेरियल है यहां पर माल पानी है कि नहीं, सब कुछ है जो मेटेरियल है कि नहीं है,
अगर मान लो कोई चीज होगा लोहा हो तो लोहा का आइटम है यहाँ पर, लेकिन अगर ये लोहा का रिंग होगा तो क्या यहाँ लोहा का आइटम है? नो। बट ये लोहा का एरिया जो बन रहा है उसी एरिया के अंदर है, है ना? तो इट मे लाई इनसाइड द बॉडी, इट मे नॉट लाई इनसाइड द बॉडी, मतलब इनसाइड द बॉडी उसके एरिया के अंदर है बट मेटेरियल ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं है। एक इस तरह से डिफरेंस हो रहा है। और अगर देखेगा, मान लो कि ये एल शेप का रॉड है, मान लो दो ठो लोहा का रॉड ले लिए, एक रॉड ये वाला और एक वेल्डिंग करवा ली, वेल्डिंग समझता है, वेल्डिंग गेट ग्रिल वगैरह गेट गुट बनता है, तो वहां से एक वेल्डिंग और लोहा बना लिए और एल शेप का लोहा बना दिए, ठीक, कौन शेप का? अब इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? दोनों एक ही मटेरियल का बना है, सम एक ही मटेरियल, सब लेंथ एरिया क्रॉस सेक्शन सब बिल्कुल बराबर। तो देखो इसका सेंटर ऑफ मास कहां? यहां। इसका सेंटर ऑफ मास। अब दोनों का पूरा सिस्टम का कहां? तो मोस्ट सिमेट्रिकल लाइन यही है, यहीं पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा। अगर मान लो ये टेबल है, ये टेबल पर अगर हम एल शेप का रॉड रख दें, अगर हम यहां से ट्राई करें तो पूरा बॉडी एज इट इज उठेगा? नो। इसके मिडिल पॉइंट से करें तो नहीं उठेगा, किसी और जगह से ट्राई करें नहीं उठेगा, कहां से ट्राई करें कि पूरा बॉडी एज इट इज उठ जाए? बोलो बोलो बोलो। तो इसका मिडिल पॉइंट यहां, इसका मिडिल पॉइंट यहां। अब देखो दिस इज द सेंटर ऑफ मास। अब यहां से अगर कोई ट्राई करेगा, यहां से रस्सी उसी फंसा करके दोनों के बीच में, और यहां से अगर ट्राई करेगा तो पूरा बॉडी क्या होगा? एज इट इज उठ जाएगा। तो पूरा बॉडी को उठाने से जो बिहेव मिल रहा है वही बिहेव कहां से मिल रहा है? इसके मिडिल पॉइंट से मिल रहा है, मतलब इस जगह पर। तो यही पूरा बॉडी का क्या है? सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास इट मे लाई इनसाइड द बॉडी, इट मे नॉट लाई इनसाइड द बॉडी, बट मोस्ट सिमेट्रिकल पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है, नहीं जमता। बोलो कोई दिक्कत वाली बात, कोई कष्ट वाली, डल रिस्पॉन्स दे रहा है, नहीं चमका? बोलो बोलो बोलो। अच्छा आगे देखो सिमेट्रिकल लाइंस क्या होता है। सपोज दैट कि मान लो एक इस टाइप का कोई ट्रायंगुलर प्लेट ले लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्लेट, प्लेट समझता है ना, कोई कार्डबोर्ड, कोई सनमाइका का कुछ बना हुआ है या कुछ इसी तरह का, इसका लेंथ ए है मतलब साइड, और ये इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्लेट। बोलो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? सेंट्रोइड, वेरी गुड, यहां पर होगा। क्या ये सेंटर इज द मोस्ट सिमेट्रिकल पॉइंट? या सेंटर इज द मोस्ट सिमेट्रिकल पॉइंट, यही सेंटर, यहीं पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक। अब इसका सेंटर ऑफ मास इसी जगह पर क्यों होगा? अच्छा सेंट्रोइड को डिफाइन कैसे करते हैं? जहां ऑल मीडियंस इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, ठीक है, जहां मीडियंस क्या होता है, हाँ, मिड पॉइंट और वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाला लाइन, तो जहां पर ये इंटरसेक्शन होगा उसी को सेंट्रोइड बोलेंगे, और वही सेंट्रोइड पर इसका सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट करेगा। इसको देखो कैसे हम लोग समझेंगे, इसका लॉजिक देखो क्या है। अगर मान लो ये ट्रायंगुलर प्लेट को, ये रहा ट्रायंगुलर प्लेट, घर में देखो निमकी वगैरह बनता है, ठेकुआ निमकी कैसे बनता है, वो पूरा आटा का रोटी जो बनता है, तो रोटी बना के उसको ऐसे ऐसे काटते जो है निमकी वगैरह, तो कैसे कैसे उसी तरह से हम इसको काटते हैं। तो देखो हम ऐसे पहले काटते, देखो ऐसे, फिर एक पीस और ऐसे कर दिए, ऐसे ऐसे करके बहुत सारा पीस बना दिए, कितना पीस बना सकता बोल? अरे बोलो हाउ मेनी पीस ऐसे ऐसे सर? इन्फाइनाइट, बहुत सारा है, पतला पतला करके। अब हर एक रॉड का जैसा काम करेगा। अब बोलो कि इस ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट का सेंटर ऑफ मास क्या होगा? सिर्फ इसका, सबको बोलेगा इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? इसके मिडिल पॉइंट पे, फिर उसके बगल वाला, फिर उसके और बगल वाला, फिर उसके और बगल वाला, फिर उसके उसके और बगल वाला, सबका बीचे बीच में, इसका बीच, इसका बीच, इसका, इसका मतलब इसी लाइन पे सबका होगा कि नहीं यार? क्या ये क्या है, मीडियन है क्या? क्या इसको मीडियन बोल सकते हैं? बिकॉज दिस लाइन पासिंग थ्रू सबका बीच से, कोई दिक्कत वाली बात? और सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे कहीं ना कहीं होगा, अगर ऐसे देखेंगे तो, ठीक। अब जैसे हम ऐसे डिवाइड किए, अगर कोई चाहे तो ऐसे भी कर सकता है, देखो
नहीं समझा। अब इसका सेंटर मास क्या होगा बताओ, बोलो बोलो, इसका कहाँ होगा, इसका इसके बीच में, फिर उसके बगल वाला, उसके बीच में, फिर उसके बगल वाला, तो ऐसे करेंगे तो फिर एक लाइन्स बने। क्या ये भी मीडियन है? अरे यार, क्या ये भी, और कैसे डिवाइड कर सकता है? देखो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, और कैसे, ऐसे वाला हुआ क्या, ऐसे वाला, हाँ ऐसे से के गो टेढ़ा हो गया ऐसे, ठीक। अब इसका सारा, क्या ये भी मीडियन नहीं चमका? सारे मीडियंस, अब सारे मीडियंस का इंटरसेक्शन कहां पर? तो दिस इज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोस्ट सिमेट्रिकल लाइंस का इंटरसेक्शन, यही सिमर सिमेट्रिकल पॉइंट पे ही एग्जिस्ट करेगा सेंटर ऑफ मास। ये हम शॉर्ट ट्रिक में बता दिए, होता कहां, नहीं चमका। वैसे हम स्क्वायर प्लेट का ले सकते हैं, वैसे कोई, अच्छा मान लो ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ना हो, कोई दूसरे आकार का हो, तो बोल कैसा होगा? मान लो इस तरह का मर्डर करने वाला पकड़ के, हाँ अब बताओ इसका कहाँ होगा? अब बहुत कुछ रहा, इतना इधर निकला हुआ है, इसका इधर इतना, देखो क्या होगा, इसमें भी सेंट्रोइड ही होगा। देखो अगर तुम ऐसे ऐसे डिवाइड करेगा तो ये इसका ऐसे होगा, अगर इसका ऐसे करेगा तो ऐसे, और ये वाला देखो जहां इसका सेंट्रोइड होगा, जहां इसका सेंट्रोइड हो, सेंट्रोइड बोले तो इंटरसेक्शन ऑफ मीडियम, वही उसका क्या होगा? ये भी यहां पर क्या है, सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड पे ही सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट करेगा, चमका नहीं क्या होगा? अरे बोलो। अच्छा मान लो कि सपोज दैट कि एक, ये क्लियर है ना सेंटर ऑफ मास कहां होता है, उसी तरह हम स्क्वायर प्लेट का निकालना चाहे निकाल सकते हैं, कहां पर होगा? हाँ जहां सारा डायगोनल जहां इंटरसेक्ट करता है वहां पर होगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम एंड सो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात? तो सेंटर ऑफ मास होता क्या है, क्यों पढ़ते हैं, ये क्लियर हुआ। अब हम लोग उसका निकालेंगे, कैसे सेंटर ऑफ मास निकाला जाता है, क्या निकालना हमारा बहुत जरूरी पड़ गया, क्योंकि सेंटर ऑफ मास जब तक निकलेगा नहीं तो उसके बारे में स्टडी कैसे करेंगे, और ज्यादा आगे पढ़ेंगे कैसे, नंबर लाना अलग बात, उसके बारे में डीप स्टडी करना अलग बात, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम क्या होता है, सिस्टम कलेक्शन ऑफ ए पार्टिकल, सिस्टम में कितना मास हो सकता है, दो भी हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकता है। तो मान लो हम एक सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं, लेट अस कंसीडर ए सिस्टम, एक सिस्टम को बाउंड्री लाइन से घेर दिए और उसके अंदर बहुत सारा पार्टिकल्स है, ऐसे ऐसे किए वो पार्टिकल्स होगा बहुत सारा, मान लो एक का मास m1, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, एंड सो ऑन, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक। इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो सेंटर ऑफ मास इसी एरिया के अंदर कहीं ना कहीं होगा कि यहां होगा? अरे बोलो क्या, इसी एरिया के अंदर कहीं ना कहीं होगा, एरिया के अंदर आएगा ना, मेरे सिमेट्री गायब हो जाएगा इसका। तो मान लो कि इसी एरिया के अंदर है और ये पॉइंट ये ले लेते हैं, लेट दिस बी सेंटर ऑफ मास। अब इसका सेंटर ऑफ मास को कैसे, देखो डिफाइन किया गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक। मान लो जो m1 रखा हुआ है उसका पोजीशन वेक्टर r1 ले लेते हैं, जो m2 है उसका अलग, इसी तरह करके सोन, ठीक है, r1 r2 ये r3 और ये क्या होगा, और उसी तरह सेंटर ऑफ मास वाला भी ले लो RCM, व्हाट इज RCM, हाँ लोकेशन ऑफ या कोऑर्डिनेट ऑफ या पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, R1 क्या है? तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि R1 जो है ये पोजीशन वेक्टर, PV मतलब ऑफ मास, कौन सा मास वहां रखा हुआ, उसी तरह R2 को क्या बोलेगा, R3, कोई दिक्कत वाली बात। अब उसी तरह से RCM क्या होगा, सेंटर ऑफ, तो देखो इसको डिफाइन किया गया ऐसे, RCM बराबर m1 r1 प्लस m2 प्लस m3 r3, ऐसे करके कितना सा, बहुत सारा, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस
करके इतना सारा बहुत सारा। ये पोजीशन वेक्टर आ गया किसका, सेंटर ऑफ मास का। कोई दिक्कत वाली बात? अब आर वन अगर मान लो कोऑर्डिनेट वगैरह दिया हो, जैसे आर वन का जो पोजीशन वेक्टर है एम वन, एम वन का कोऑर्डिनेट ले लेते एक्स वन वाई वन जेड वन, तो आर वन वेक्टर क्या लिखेगा बोल, एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन, ऐसे। अरे यार उसी तरह आर टू क्या लिख सकता है, बोलो बोलो बोलो, एकदम पूरा सन्नाटा छाया हुआ पहला क्लास। एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस आर थ्री क्या लिख सकता है, वाई थ्री आई, और इधर आर सी एम क्या लिख सकता है, एक्स सी एम आई कैप आर सी एम, एक्स सी एम आई कैप वाई सी एम जे कैप जेड सी एम, ठीक। तो ये भी इसमें भी एक्स वन आई कैप वाई वन जे कैप जेड वन, इसमें भी वैसे ही वैसे भी सब में आएगा, सबका आई का कॉफिशियंट को इक्वल कर दो तो बोलो एलएचएस में क्या आएगा, बराबर बोलो एम वन एक्स वन, इसके अंदर का क्या बचेगा, अरे जे और के नहीं लेना है, खाली कौन वाला लेना है, तो बोल क्या लिखेगा एम टू प्लस एम थ्री ऐसे करके के को डिवाइडेड बाय, ठीक। जैसे हम एक्सीएम निकाले वैसे वाईसीएम देख क्या आएगा, हाँ जल्दी फटाफट, वाई टू एम थ्री प्लस डॉट डॉट कितना डिवाइडेड बाय, कोई दिक्कत वाली बात नहीं समझा। उसी तरह जेड सी एम क्या होगा, एम वन जेड वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री ऐसे प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या आएगा एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री। अब एक चीज बताओ, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल्स, वाई सी एम ये क्या है, वाई वन वाई टू वाई कोऑर्डिनेट वाला और जेड वन, ठीक। ये पूरा सिस्टम का आ गया। अब तुम चाहो तो आर सी एम बराबर एक्स सी एम आई कैप प्लस वाई सी एम जे कैप प्लस जेड सी एम लिख सकता है। अच्छा सिस्टम में दो पार्टिकल होगा तो भी बनेगा, दो पार्टिकल के लिए क्या होगा लिखो, दो पार्टिकल के लिए ये वाला क्या होगा, एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। अरे यार एक्स वाला क्या होगा, एक्स वाला एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू बाई एम वन प्लस एम टू, वाई वाला एम वन प्लस एम टू। कोई दिक्कत वाली बात, कोई कष्ट वाली बात, क्लियर। अब देखो सेंटर ऑफ मास, पहले इतना लिख लो आगे बताते फटाक से लिखो। एक सिस्टम है दो पार्टिकल का एम वन एम टू, और दोनों क्या चीज से कनेक्टेड है, लाइट रॉड से। लाइट रॉड क्यों ले रहे हैं समझ में आ रहा है, और दोनों का मास बिल्कुल सेम है, इसका भी मास एम है इसका भी मास एम है, बोलो सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, यहां पर होगा। यहां से यहां का दूरी क्या होगा, एल बाई टू, और यहां से यहां का दूरी एल बाई टू। बट इसको हम लोग निकालेंगे कैसे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको कार्टेशियन प्लेन में रखेंगे, नहीं अगर अगर देखो हम लोग चाहेंगे तो ऐसे भी बना सकते। देखो सबसे पहले इसको कार्टेशियन प्लेन में रखना, कार्टेशियन प्लेन में रखना किसका काम, हमारा, पूछेगा लोकेट द सेंटर ऑफ मास। तो सबसे पहले अगर ये है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कार्टेशियन प्लेन में रखेंगे, और कार्टेशियन प्लेन में रखना किसका काम, हमारा। तो देखो हम लोग ऐसा रखेंगे, देखो अगर कोई ऐसे रखता है, देखो इसी तरह से इसी का हम बना रहे हैं, ये मान लो यहां रखा m1 और ये क्या हुआ m2, m1 का भी मास m और m2 का भी मास m। अब इसका पोजीशन वेक्टर मान लो r1 ले लेते, इसका पोजीशन वेक्टर r2 ले लेते। अब बोलो सेंटर ऑफ मास जहां भी होगा उसका हमको क्या निकालना है, तो बोलो क्या लिखेगा, सेंटर ऑफ मास या r सेंटर ऑफ मास बराबर क्या होगा, m1 तो m है ना, तो m गुना क्या होगा r1। अरे यार m गुना दूसरे का बोलो m गुना डिवाइडेड बाय, ऐसे ना। तो m1 और m2 दोनों चूंकि सेम मास का है तो क्या लिखेगा, तो m प्लस m, बोल कितना आएगा,
कितना आर वन प्लस आर टू बाई यही इसका ये आर वन प्लस आर टू बाई टू कहाँ इंडिकेट करता है सेंटर में इंडिकेट करेगा कहाँ इंडिकेट करेगा सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है तुम लोग मैथ्स में तो सेक्शन कहां पर होगा देखो मिडिल पॉइंट पे तो ये इसका क्या है मिड पॉइंट मिड पॉइंट पे ही सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट कर रहा है यहां से निकाल लिए लेकिन इसमें देखो हम लोग इसको और आसानी से बना सकते थे हम लोग देखो हम लोग चूंकि अगर इसको कोऑर्डिनेट अगर इसका कोऑर्डिनेट रहता है तो कोऑर्डिनेट में क्या लिखते हैं तो आर वन प्लस आर टू तो आर वन की जगह एक्स वन वाई वन एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप आर टू को क्या लिखता है एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू तो हमारा आंसर आता क्या एक सीएम वाला आता है एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू और वाई वाला वाई वन प्लस वाई टू बाई टू ये एक्स वाला आता और वाई होता तो मिडिल पॉइंट पे ही लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड टाइप का हो गया है तो मिडिल पॉइंट पे ही तो हम लोग ऐसा सिस्टम सेलेक्ट करेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाए आसानी से देखो कैसे बनेगा अगर सपोज है कि चूंकि अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम से लिखेंगे तो एक्स वन टू बाई और वाई वाला वाई वन प्लस वाई टू बाई उसी तरह जेड वाला इतना होगा अरे यार अब हम लोग इसको और आसान से बना सकते थे कि देखो हम लोग कार्टेशियन प्लेन रखना हमारा काम और ऐसे रखेंगे ताकि मैक्सिमम कोऑर्डिनेट जीरो जीरो हो जाए कैसा हो जाए जीरो 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 कैसे होगा देखो एक को यहां रख दो एक को यहां रख दो दोनों के बीच का दूरी एल है इसका मास एम है इसका भी मास अरे यार नहीं समझा बोलो अब सेंटर ऑफ मास तो ऐसे हमको पता है ना कि बीच में होगा तो यहां से कितना दूरी पे होगा एल बाई टू और इधर से कितना होगा तो बीच में ये सबको पता है बट हम लोग देखो क्या करेंगे इसका कोऑर्डिनेट अब हमको लेना पड़ेगा जीरो जीरो अगर हमको ऐसा रखना है कि मैक्सिमम कोऑर्डिनेट क्या हो जाए फायदा कैलकुलेशन आसान फायदा क्या कैलकुलेशन आसान तो ये जीरो जीरो बोलो ये जल्दी फटाफट एल कॉमा जीरो एक सेंटर ऑफ मास क्या लिखेगा एम वन एक्स वन प्लस एम टू यही ना तो वैल्यू पुट कर एम गुना एक्स वन क्या है जीरो वाई वन जीरो एक्स टू बोलो वाई टू तो क्या लिखा है एम गुना जीरो प्लस एम गुना एल डिवाइडेड बाय एम प्लस एम बोल कितना आया और वाई सी एम क्या आएगा तो m गुना जीरो फिर इसका भी जीरो तो ये कितना आ जा रहा है इसका मतलब ये देख रहा है आया तो वही ना यही तो आया इसका मतलब ओरिजिन और अगर सिस्टम कोऑर्डिनेट वगैरह चेंज कर दे तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा लेकिन उसका रियल मीनिंग तो वही है ना मिडिल पॉइंट पे अरे यार रियल मीनिंग कहां पर है उसका मिडिल पॉइंट तो क्या मिडिल पॉइंट चेंज हुआ लेकिन आसानी से कब बनाएंगे जब मैक्सिमम कोऑर्डिनेट क्या हो फायदा क्या मिला इजी कैलकुलेशन मिला ठीक है तो करना क्या समझ में आ रहा है तो ऐसे बनाना ताकि मैक्सिमम कोऑर्डिनेट तो लिखो थोड़ा सा कि अगर ओरिजिन को चेंज कर दें अगर ओरिजिन को चेंज कर दें तो R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर विल गेट चेंज देन R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर विल गेट चेंज पोजिशन वेक्टर ऑफ RCM विल ऑल्सो गेट चेंज पोजिशन वेक्टर ऑफ RCM बात समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं विल ऑल्सो गेट चेंज बट रियल मीनिंग ऑफ RCM रियल मीनिंग मतलब क्या मिडिल पॉइंट अरे यार इसका जो आया मिडिल पॉइंट आया ना और बाकी सब में मिडिल नहीं आएगा कुछ और आएगा बट रियल मीनिंग का मतलब क्या होता है जहां उसका सेंटर ऑफ मास होगा तो रियल मीनिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज चमका फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो हम कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल्स ऐसे सेलेक्ट करेंगे सो दैट मैक्सिमम कोऑर्डिनेट क्या हो जीरो जीरो सो दैट मैक्सिमम कोऑर्डिनेट क्या हो जीरो जीरो ठीक
नेक्स्ट पॉइंट, कोऑर्डिनेट सिस्टम मानना हमारा काम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम मानना हमारा काम है। ये किसका काम है? ये क्वेश्चन में नहीं देगा कि इसको, ये मोस्ट ऑफ द, ये हमें बताया लोकेट द सेंटर ऑफ मास, तो हम लोकेट कैसे करेंगे, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम पे इसको रखेंगे तब जाके हमारा आ जाएगा। जैसे मान लो कि सपोज दैट, देखो मान लो अलग अलग मास है, एक मास m1 और एक मास m2, दोनों के बीच की दूरी कितना, इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है, l बाई टू होगा, मास अलग अलग है, मान लो m1 ग्रेटर देन m2, किसके ज्यादा नजदीक, m1 के और m2 के दूर में, बट होगा कहां। तो मान लो अगर सपोज दैट कि ये ऐसे टेबल पे रखा हुआ है, ठीक, इसको उठाना है ऐसे जगह पकड़ के उठाना ताकि बॉडी एज इट इज उठ जाए, तो कहीं ना कहीं डॉट देके तब ना उसमें हुक बनाएगा और उठाएगा उसको, हुक कहां पर बनाएगा उठाने के लिए, ऐसा जगह जहां पूरा बॉडी एज इट इज उठ जाए, तो बॉडी वो पॉइंट होता क्या है, तो सेंटर मास निकालेंगे ना, तो कैसे निकालेंगे, वो जो मार्क देगा वो कहां देगा, तो देखो वो कैसे निकालेंगे। ऐसे चाहो तो हम ये वाला आर वन आर टू लेके बना सकते हैं, बट मैक्सिमम आसानी से किसमें बनेगा, बोलो बोलो बोलो, आसानी से मैक्सिमम कोऑर्डिनेट क्या हो, कैसे रखेगा ताकि, तो सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन मानना किसका काम, हमारा, तो ये एक्स एक्सिस और ये क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात, अरे यार अब हम लोग कैसे रखेंगे ताकि मैक्सिमम कोऑर्डिनेट जीरो जीरो हो, क्या अगर इसको तिरछा रख देंगे कोई एक्स्ट्रा टैलेंटेड बच्चा, तो उसका आंसर लेट से आएगा कि जल्दी आएगा, आएगा तो वही यार ना, होगा तो वही जो होता है, जैसे इसका मिडिल पॉइंट आया, वैसे तो उसका कहीं ना कहीं तो होगा तो वही ना, तो रियल मीनिंग चेंज होगा क्या, रियल मीनिंग चेंज, सिर्फ क्या चेंज होगा, कोऑर्डिनेट या हाँ सेंटर ऑफ मास उसका जो है, लेकिन उसका रियल मीनिंग जहां है वहीं रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात। अब सुनो, तो हम लोग क्यों ना ऐसे रख दें, या तो वाई पे रख दो या तो हम लोग देखो ऐसे रख दिए, इसका लेंथ कितना है एल, इसका मास एम वन, इसका मास एम टू, दोनों के बीच का दूरी एल, और ये मासलेस रॉड से कनेक्टेड, मासलेस रॉड क्यों बोल रहे हैं बार बार, ताकि वो रिजिड बॉडी का फील दिलाते रहे, नहीं ताकि पूरा बॉडी उठाए और एज इट इज उड़ जाए, नहीं तो अगर थ्रेड उड़ेड लगा देगा तो पूरा दोनों के बीच का दूरी चेंज हो जाएगा उठाते वक्त, ठीक। अब देखो, अब इसका कोऑर्डिनेट बोलो क्या ले, अगर एक्स पे रखा तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो जीरो, इसका बोलो एल कॉमा जीरो, कितना, चार कोऑर्डिनेट में से तीन कोऑर्डिनेट, एक दो तीन चार, क्या हो चुका, तीन को जीरो, इससे ज्यादा जीरो हो सकता था, वाई में रखता तो, नहीं तो जैसे पाता ऐसे मान लो यहां ऐसे ऐसे रख देगा तो क्या होगा, समझ में आ रहा है, नहीं चमका, तो कैसे लेना ये, और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम मानना किसका काम। अब बोलो एक सेंटर ऑफ मास क्या लेगा, तो एक सेंटर ऑफ मास होगा एम वन एक्स वन, एम वन कितना, एम वन एक्स वन क्या, तो एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू, एम टू कितना है, एक्स टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू, अरे यार चमकाने कितना हुआ, तो बोल एक सेंटर ऑफ मास कितना आया, एम टू एल बाय एम वन प्लस एम टू, कोई दिक्कत वाली बात, यार वाई सेंटर ऑफ मास क्या होगा, बातें नहीं, वाई सेंटर ऑफ मास क्या होगा, देखो एम वन जीरो प्लस एम टू जीरो, अरे यार क्या लिखेगा, एम वन इंटू वाई वन इसका क्या, जीरो प्लस एम टू गुना डिवाइडेड बाय, तो कितना आएगा। अब इसको तुम लोकेट करो यहां पर, देखो तो कहां होगा, एम टू एल बाई इतना, ये एक सेंटर ऑफ मास कहां से आया, ओरिजिन से आया कि इधर से आया, ओरिजिन से आया, तो ओरिजिन से कितना दूरी पे आया, तो एम टू एल बाई, इसका मतलब अगर सेंटर ऑफ मास देखो हम कह सकते हैं, ये देख ये एम वन है, ये एम टू है, और ये इसका सेंटर ऑफ मास है ऐसे, तो यहां से कितना आया, तो एम टू एल बाई एम वन प्लस ऐसे, और यहां से निकालना दोनों के बीच की दूरी कितना था L, तो ये वाला कैसे निकालेगा, हाँ वेरी गुड, L माइनस, तो L माइनस L कॉमन ले ले क्या, तो या हम कह सकते हैं L माइनस एम टू एल बाई कितना ऐसे, क्या कॉमन आएगा L, तो क्या लिखा है, एम वन प्लस एम टू माइनस एम टू, एम टू ने एम टू को कैंसिल किया, क्या बचा
एम वन बाई एम वन एल तो रहेगा ना, तो क्या बनेगा एम वन एल बाई एम वन प्लस, नहीं चमका। इसका मतलब हम लोग ऐसा कह सकते हैं फर्दर दम साफ सुथरा कि अगर दो हैवी पॉइंट मास है या जो भी है एम वन और एम टू और दोनों के बीच की दूरी एल है और ये अगर इसका सेंटर ऑफ मास है तो कहां पर एग्जिस्ट करेगा निकल जाएगा। देखो यहां से कितना दूरी पे आएगा, तो अगर एम वन लेना है तो मास कौन वाला, देख तो अगर यहां से एम वन वाला है तो मास कौन ले रहा है एम टू वाला, तो ये जो दूरी होगा लेटिट भी आर वन, तो आर वन बराबर क्या लेगा वो मास, तो एम टू एल बाई डर रेस्पॉन्स, अरे बोलो 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 एम टू एल बाई ऐसे क्या, ये कहां से आया और ये वाला का दूरी क्या होगा, तो लेट इट बी आर टू, तो ये लेगा एम वन एल बाई, अच्छा दोनों को जोड़ो तो कितना आता है, तो एम टू एल एल कॉमन तो एम वन प्लस एम टू नीचे में एम वन तो एल आ गया दोनों का सम, इसका मतलब आर वन प्लस आर टू एल है। और इसका अगर रेशियो निकालेगा तो आर वन बाई आर टू का रेशियो देखो क्या रहा है, आर वन बाई टू एम वन बाई, इसका मतलब कैसा रेशियो आ रहा है एम टू बाई, हाँ एम टू बाई एम वन कैसा रेशियो आया, याद रखना इनवर्स रेशियो में डिवाइड होता है, कैसा रेशियो आर वन बाई आर टू बराबर एम टू बाई एम वन आया, कोई दिक्कत वाली बात, कोई कष्ट वाली बात, अगर देखो अगर निकाला जाए तो सुनो, अगर मान लो ये 6 केजी ठीक, कितना ये ले लेते 4 केजी, दोनों के बीच का दूरी कितना ले ले 10 मीटर, लोकेट द सेंटर ऑफ मास। अब हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, लोकेट द सेंटर ऑफ मास डायरेक्ट क्या यूज करेंगे फॉर्मूला, हाँ देख के बोल सकता है कैसे कैसे लेगा, देखो अगर यहां से लेगा अगर ये इसका सेंटर ऑफ मास है तो बोलो कहां होगा, तो क्या लेगा अगर इस यहां से ले रहा तो मास इसका लेगा इसका, तो 4 × 10/6+4 बोल कितना आया, बोलो बोलो बोलो, तो 4 मीटर इधर, तो यहां से यहां कितना, अरे यार अगर 2 पॉइंट मास हो तो यही वाला अप्लाई करे जल्दी से आएगा, और अगर 2 से ज्यादा होगा तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये 2 के लिए एप्लीकेबल है। कैसे लेना है, अगर एम वन से लेगा तो एम टू एल बाई एम वन प्लस एम टू लेगा, और एम टू से लेगा तो एम वन इनवर्स रेशियो में आ रहा है इसीलिए कोई दिक्कत वाली बात, और अगर 3, 4, 5 होगा तो बन जाएगा कोई दिक्कत वाली बात, कोई कष्ट वाली बात, कैसे बनाया जाता है इस चीज का आइडिया हो गया, तुम लोग को बस एग्जाम में निकालना होगा और कोऑर्डिनेट लेना किसका काम, ठीक। सिर्फ ये वाला उतारो, सिर्फ ये वाला, हम देखो क्वेश्चन दे रहे हैं फटाफट बनाएगा, देखो हम 3 क्वेश्चन देते हैं देखते हैं कैसे कैसे बनाता है। देखो सपोज दैट कि मान लो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फटाक से बनाएगा, मास यहां 2m रखा हुआ है, यहां m है, यहां m है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, व्हाट इज वो, कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना किसका काम, किसका, हाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका लोकेट द सेंटर ऑफ मास, क्या करना, ये पार्ट है, सुनो क्वेश्चन क्या है, एक ट्रायंगुलर ट्रायंगल है उसके वर्टिसेस पे एक पॉइंट मासेस रखा हुआ है, कहां पे, उसके वर्टिसेस पे पॉइंट मास है एम एम और यहां कितना 2m, साइड का लेंथ कितना, इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच एंगल कितना होगा 60 डिग्री, क्या क्वेश्चन है, लोकेट द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास लोकेट करना फटाक से, एक हम कोऑर्डिनेट सिस्टम लेके बता दे रहे हैं, मान लो इसको एक बना रहे बाकी सब में तुम लोग ले लेगा, इसको x ले लो और इसको y ले लो फटाक से। एक और क्वेश्चन, हम 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन देखो, जैसे 2D होगा वैसे 3D भी हो सकता है, चलो पहले 2AD वाला देखते हैं, एक स्क्वायर है जिसका 10 मीटर गैप है और ये मास है तुम्हारा 3 केजी, ये कितना है 3 केजी, ये वाला चलो 2 केजी ले लो और इसको क्या ले लो 2 केजी, इसका भी सब में क्वेश्चन वही लोकेट द सेंटर ऑफ मास, ये 2D हो गया, एक 2D, एक 3D का ले लेते हैं, 3D में क्या आ जाएगा, क्यूब, क्या आ जाएगा क्यूब, क्यूब टाइप का कोई प्रॉब्लम,
चलो इसका भी 10 मीटर ले लो, मासेस देखो कैसे कैसे रखा होगा। ये सारे वर्टिसेस से मान लो 1.5 केजी, 1.5 केजी, 1.5 केजी, और ये कितना 1.5 केजी, यहां पर कितना 1 केजी, सब में क्या है क्वेश्चन, लोकेट द सेंटर, जल्दी बना तो। कोऑर्डिनेट सबका सही ले रहा है क्या, इसका कितना, इसका 1.0 सही लिया है सबको, इसका कितना लिया और इसका आंसर कितना आया, a/2, √3a/4, हाँ वेरी गुड आ गया चमका। उसी तरह इसका निकाल सकता है, इसका कितना आया, इसका भी x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक, स्मार्ट मेथड देखो, देखो पहले तुम लोग जो बनाए वो पहले देखते हैं, तुम लोग देखो ऐसे बनाया होगा, अगर पहले जो तुम लोग बनाए हो वो पहले बता दे रहे हैं सब, और कैसे बनाएगा, अगर बनाएगा तो जैसे एक सेंटर ऑफ मास निकालना था तो क्या लिखा है, m1 x1 + m2 x2 + m3 x3 / m1 + m2 + m3, y सेंटर ऑफ मास क्या होगा, अरे बोलो बोलो बोलो, y सेंटर ऑफ मास m1 y1 + m3 / m1 + m2, तो ये देखो एक सेंटर ऑफ मास करेंगे तो देखो m1 क्या है, m गुना 0, फिर बोल m गुना a, फिर बोलो 2m गुना a/2 डिवाइडेड बाई कितना, बोलो 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 बोलो, डिवाइडेड बाय m + m + m + m + कितना 2m, ऐसे तो बोल एक सेंटर ऑफ मास कितना है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 से 2 कटा, ma + ma, 2ma डिवाइडेड बाय 4m, क्या बचा आया, y सेंटर ऑफ मास क्या लिखेगा, तो m गुना 0 + m गुना √3a/4m डायरेक्ट लिखे क्या, तो बोल कितना आएगा, ये कटेगा 2 से 2, m से m कटेगा तो √3a/4, ये YCM आया, कितने का आया, हाथ उठा तो, सबका आ गया क्लियर, उधर कॉर्नर आया, देखो अब स्मार्ट मेथड देखो कैसे होगा, देखते जाओ सुनो, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग क्या देखे कि अगर मान लो एक रॉड है और इस रॉड पे एक टेबल ऐसे रखा हुआ है, सॉरी टेबल पे रॉड रखा हुआ है, ठीक, अगर इसको हम स्लोली अगर उठाना चाहते तो कितना फोर्स लगाना होगा स्लोली उठाने के लिए, कम से कम mg के बराबर, अगर एक्सलरेट करा के उठाएंगे तो ज्यादा लगाना होगा, बट स्लोली अगर उठाना है तो कितना लगाना होगा, तो हम लोग अगर और कहां से लगा के उठा सकते हैं, यहां से, तो कितना ऐसे अगर उठाएंगे तो हमको फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, तो अगर हम पूरा बॉडी को उठाएं तो mg लगाना होगा, और सेंटर ऑफ मास से ट्राई करेंगे तो कैन वी एज्यूम ऐसे कि कैन वी एज्यूम दैट कि एक रॉडे के जगह पर एक सिंगल पॉइंट रखा हुआ है जिसका मास क्या है m, और इसको उठाने में जो लगा वही चीज है, तो कैन वी रिप्लेस टोटल रॉड बाय सिंगल पॉइंट जिसका मास कितना m, अगर इसका 3m होता तो इसका भी 3m, इसका 5m होता तो इसका भी, नहीं चमका, अरे बोलो, ठीक वैसा ही हमको इसमें भी करना है, देखो कैसे सुनो, ये तुम्हारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, देखते जाना 2m m m, अच्छा क्वेश्चन जो देगा ना तुमसे कैलकुलेशन नहीं करवाएगा सेंटर ऑफ मास में, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो इस
टॉपिक से पूछा तो कैलकुलेशन ज्यादा लंबा नहीं कराएगा, वो तुम्हारा सिर्फ कॉन्सेप्ट को चेक करेगा कितना बढ़िया से तुम सेंटर ऑफ मास को समझता है। ठीक, तो देखो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, और साइड का लेंथ कितना, ए, तो बोलो ऐसा हम सोच सकते हैं कि ये जो एम है और एम है, अगर इस एम और इस एम का अगर खाली सेंटर ऑफ मास निकालना रहता तो बोल कहां होता, कितना बीच में, और कितना मास वहां रखा रहता, तो एम एम का, अरे यार नहीं समझा, एम एम का कितना रखा रहता, कहां रखा रहता, यहां पर, कितना एम एम की जगह, नहीं अब यहां से हटा दे, क्या क्यों हटा दिए ये वाला, क्योंकि दोनों की जगह सिंगल, ठीक है। अब इसका भी मास 2m, इसका भी मास 2m, बोलो दूरी कितना था दोनों के बीच में, रूट 3a बाय 2, क्या था, तो बोलो दोनों का मास अगर बराबर हो तो कहां होगा, बीच में, कितना दूरी पे होगा, तो यही सेंटर ऑफ मास होगा, तो यहां से नीचे कितना, रूट 3a बाय 4, नहीं समझा, यहां से यहां बोलो, पहले तेरा आंसर कितना आया था, वही तो आया था यार, अगर इसको ऑरिजिन माने थे तो इसी को बोले थे कि यहां से इधर a बाय 2, और इसके ऊपर कितना ले, नहीं चमका, नहीं पता चल रहा है, कैसे बनाने समझ में आ रहा है, कि हम लोग पहले जिसका जिसका निकाल सके उसको उससे रिप्लेस करा दो, बाकी ऐसे से करते जाओ आता जाएगा तो तुरंत बन जाएगा। अगर सोचो क्यू वाला दिया होते तो क्यू वाला प्राण निकल जाता है, पहले तो लिखने आना चाहिए किसकी, किसको ए कॉमा ए कॉमा ए जीरो कॉमा ए, ये सब आने चाहिए, तब जाके अगर सही आता होगा तो बना पाएगा, नहीं तो फिर सब सीखा वही गड़बड़। देखो और दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था, दूसरा फटाक से बोलो, देखो क्या क्या था, देख तो क्या क्या था, बोलो बोलो बोलो, इधर कितना 3 किलो, इधर इधर 2 किलो, इधर तुम लोग का जो निकाला उसका आंसर याद है क्या, कितना निकाला होगा, 4.5 निकाला, सर 4.5 किस, कितना 4.5 निकाला, इसका लंबाई कितना था, देखते हैं कितना था शॉर्टकट में थे, ठीक, देखो एक्स वाई, एक तो मेथड है 001 लिखेगा, दूसरा मेथड क्या है, देखो ये 3 kg, ये 3 kg, बोल सेंटर मास कहां और उसका मास कितना, कैन वी रिप्लेस 3 kg 3 kg विद 6 kg बीचे में, अरे यार नहीं जमका, 3 kg 3 kg 6 kg, बोलो 2 kg 2 kg कहां, कहां ले 4 kg, कहां पर बीचे में, उड़ गया तोता, अरे बोलो समझा हैं? अब ये कितना ऊपर, तो चूंकि ये दोनों है तो ये कितना लिए थे 10 मीटर, तो ये बोल कितना आया 5 मीटर का लेवल तो पता चल गया। अब यहां से ये सब हटा, ये चारों कॉर्नर पे हटा, अब सिर्फ मास 6 kg और 4 kg है, क्लियर, व्हाट इज दूरी बिटवीन देम 10 मीटर, बोल कहां होगा, तो अगर यहां पर सेंटर ऑफ मास होगा तो बोल कैसे कैसे डिवाइड होगा, अगर तुम यहां से लेता है तो यहां से लेगा तो किसका मास, उसका किसी का, उसका, तो 4 × 10 10 है ना, डिवाइडेड बाई 6 + 4 कितना, वेरी गुड, इधर से 4 मीटर और दोनों के बीच का दूरी 10 तो 6 मीटर, ऐसे तो 4 और इधर से 5, अगर और तुमको कोऑर्डिनेट इसको माना होगा ना, तो इसके हिसाब से देखो क्या आया, तो एक्स वाला पार्ट कितना है, एक्स वाला पार्ट 4 और वाला पार्ट, बट है तो यही ना, अरे यार है यही कि किसी दूसरी जगह है, अगर हम ऑरिजिन इसको मानते हैं तो वही आंसर आता कि चेंज होता, सेंटर ऑफ मास का रियल मीनिंग जो है ना वहीं पर होता, लेकिन क्या चेंज होता, ऑरिजिन को चेंज कराने से क्या चेंज हो जाएगा, सब कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, लेकिन रियल मीनिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, जहां है वही रहेगा, नहीं चमका, बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत वाली बात, 3D का प्रॉब्लम अभी हम लोग देखें, देख क्या क्या था फटाफट बता दो, क्या क्या था? देखो देख ये कितने का था, कितना 1.5 kg, ये वाला बोलो, ये ऐसे, ये बोलो, ये
ये और ये वाला, ठीक। और दूरी कितना लिए थे साइड का लेंथ, कोई दिक्कत वाली बात? अब सुनो कैसे बनाएंगे। ये देखो डेढ़ डेढ़ टोटल, ये पूरा देखो तो कितना है, सब बराबर बराबर, सब बराबर नहीं, कौन फिल्म सब बराबर में, कौन सा पिक्चर अभी मांझी वाला आया है, क्या गाना है सब बराबर। तो यहाँ सब बराबर कौन कौन है, डेढ़ के जी डेढ़ के चारों सब बराबर, बोल सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, जहां डायगोनल का इंटरसेक्शन होगा, कहाँ डायगोनल का इंटरसेक्शन होगा, यहाँ डायगोनल का इंटरसेक्शन होगा तो यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा। अरे यार ये किसका सेंटर ऑफ मास होगा, ये चारों का डेढ़ मतलब छह के जी का। तो कैन वी रिमूव दिस ऑल दिस डेढ़ के जी विथ कितना, छह किलो, और कहां पर सेंटर ऑफ मास पे, ठीक उसी तरह से एक के जी एक के जी एक के जी कितना, चार किलो, और कहां पर, तो जहां इसका डायगोनल इंटरसेक्ट होगा, तो ये डायगोनल यहां पर, तो कैन वी राइट यहां चार किलो। अरे यार चमका नहीं क्या हुआ, बोलो बोलो बोलो, क्लियर नहीं समझ में आया, ठीक। अब ये दोनों के बीच का दूरी कितना है, तो कहां से, अब तो ये आसान है यार, यही तो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है ताकि तुमको लगे कि इसी जैसा है, तो बोलो क्या है, देखो यहां से यहां कितना, चार मीटर, और यहां से यहां छह मीटर। अब इसका तुम लेवल निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता, यस, नीचे से कितना, इधर से कितना, ऊपर से कितना निकाल सकता है। तो क्वेश्चन पूछेगा खाली लोकेट द सेंटर ऑफ मास, तो कहां सेंटर ऑफ मास से निकल गया, कोई दिक्कत वाली बात, कोई कष्ट वाली बात, हाँ। अब ये बालक अच्छा क्वेश्चन पूछा कि मास अगर सेम नहीं रहेगा तो कैसे बनाएंगे, तो ये जनरल फॉर्मूला हमको पता है, इसको तो कोई, हाँ वही चीज अप्लाई करेंगे, बट क्वेश्चन में आईआईटी या कंपटीशन में अलग अलग मास का नहीं देगा, ये तुमको ऐसा नहीं देगा, कैलकुलेशन करवाएगा लेबर टाइप का, तुम्हारा क्या ट्रिक कॉन्सेप्ट को खाली चेक करेगा, बच्चा सेंटर ऑफ मास को कितना डीप से जानता है। तो और इसमें सवाल जो है ज्यादातर देखना कैविटी प्रॉब्लम आएगा, फिर अलग अलग है जो पिछले आता है, लेकिन जो कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो पार्ट है ना वो बहुत आसान टॉपिक माना जाता है, इसको ज्यादा लेंथी नहीं पढ़ाना जाता चाहिए। जो कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, टू लोकेट द सेंटर ऑफ मास का जो टॉपिक है वो काफी आसान माना जाता है। उसके बाद में जो है ट्रॉली प्रॉब्लम, तो कैट डॉग प्रॉब्लम, तो इसके ऊपर प्रॉब्लम, कोलिजन प्रॉब्लम, सेंटर ऑफ मास सी फ्रेम वाला प्रॉब्लम, ठीक है, स्प्रिंग प्रॉब्लम, एसएचएम प्रॉब्लम, जितना भी आएगा सब वो अच्छा लेवल में आता है, बट ये कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बहुत आसान चीज है। कोई दिक्कत वाली बात, कोई कष्ट वाली बात, देखो एकदम मुंडी सवाल है, कोई बोलेगा नहीं, जब हम पूछेंगे तो बोलना, ठीक। अभी खाली देखो क्या हो रहा है, कोई सॉल्व करने का, कोई एक्स वन वाई वन जेड वन एक्स टू वाई टू जेड टू कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन ही ऐसा देगा कि सिमेट्रिकल होगा, तुमको डायरेक्ट क्या बताना है आंसर, सुनो क्या है, थ्री डी में है, देखो चार पार्टिकल है जो एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ, कितना पार्टिकल, चार पार्टिकल, मास दो के जी, दो के जी, दो के जी, दो के जी, कोई दिक्कत वाली बात। अब सुनो जहां डायगोनल बाइसेक्ट किया, जो स्क्वायर बना उसी के प्लेन से ठीक ऊपर एक और मास रखा हुआ है एट के जी का, ठीक, इसका नाम ले लो ए बी सी डी, और इसको एम ले लो या ओ ले लो, क्या ले लेगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का जो दूरी है वो तेरा 10 मीटर का है, कितने का है, कहां पर सेंटर ऑफ मास होगा वो तुमको बताना है। कोई बोलेगा नहीं, पहले सोच लो, एक मिनट के बाद आंसर बताओ। इसके यहां से कितना ऊपर, बोलो डल रिस्पॉन्स, पांच मीटर, कैसे आए पांच मीटर, हाँ दो और दो चार, चार और दो छह और दो, कैन बी सपोज टू बी आठ के जी यहाँ, और इसी के ऊपर आठ के जी रखा हुआ, तो बोल सेंटर मास बीचे में, तो कितना यहां से ऊपर और ऊपर से कितना नीचे, अगर मान लो यहाँ आठ के जी के जगह दो के जी रहता, बोल बनता कि नहीं बनता, तीन के जी रहता, आठ के जी रहता, सात के जी रहता, कुछ भी रहता,
अगर मान लो 8 केजी की जगह दूसरा चीज रखा रहता, मान लो सब 6 केजी, तो फिर M2L/M1+M2 और M1L/, तो फिर उसमें अपना टेक्निक ये लगाता, हम अपना क्या क्लियर होना चाहिए, लॉजिक हटाक खत्म नहीं चमका। अरे बोलो, अगले क्लास में हम लोग कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, रॉड का, रिंग का, डिस्क का, लंग फन सब पढ़ेंगे, ठीक, और फिर कैविटी प्रॉब्लम करेंगे, और अगले क्लास में हम लोग कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूरा हम कंप्लीट कर देंगे पूरा। तुम लोग ऐसे प्रैक्टिस करके आना, HCB में दिया हुआ है और बहुत सारा रॉड का कहाँ होता है, रिंग का कहाँ होता है, बट अगले क्लास में सारा खत्म कर देंगे ये वाला पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक। चलो।